राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने क्या किया बड़ा ऐलान, एससी एसटी आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव, चुनाव में यह ऐलान का कैसे होगा असर। राज्य में चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर जानकारी दी है। एससी एसटी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई है। ओबीसी को 27% छूट दी गई है। स्थानीय स्वराज्य चुनाव में 10% आरक्षण का पूर्व प्रावधान जारी रहेगा। स्थानीय स्वराज्य संस्था में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्रों में एससी एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की सिफारिश की गई है। एसटी पॉपुलेशन हो त्या वस्ती ना प्रमाणे सीटों आपवानी छे। 25% થી 50% સુધીની વસ્તી હોય, 25% કે 25% થી 50% સુધીની જ્યાં વસ્તી હોય ત્યાં આગળ નિયમ પ્રમાણે ત્યાં 50% બેઠકો આપવી એનું રિઝર્વેશન છે। એટલે ત્યાં આગળ ઓબીસીનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટી જાય એવી પરિસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે કે ત્યાં પણ જે ભૂતકાળમાં 10% ઓબીસી બેઠકો હતી એને ચાલુ રાખે। राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एससी एसटी के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। जिला, तालुका, ग्राम पंचायत में 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है। शहर इलाकों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई है। शहरी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% की सिफारिश की गई है। ओबीसी के लिए 10% सीटें यथावत रहेगी, जिसको लेकर अब स्थानीय स्वशासन चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।